30 जून 2020 तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नागालैंड जो स्टेट है पूरी की पूरी स्टेट को डिस्टर्ब एरिया इसको घोषित किया है 6 मंथ्स की एक्सटेंशन के साथ। तो पहले जो है ये 2019 के दिसंबर में इसको घोषित कर दिया गया था जून 2020 तक, अभी इसको 6 महीने के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी एक्ट है जिसके हिसाब से जो एक जगह को या एक स्टेट को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो भी सिविलियंस है, जो भी लोकल लोग हैं, इन पे कैसी कैसी रेस्ट्रिक्शंस आ जाती है, आर्म फोर्स के पास यहाँ पे कौन सी पावर आती है, भारत में ऐसे कौन से जगह है जो डिस्टर्ब एरियाज है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रॉम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमने अपना वेबसाइट लॉन्च किया है, तो यहाँ पे आप मार्च अप्रैल और मई महीने का जो करंट अफेयर्स का जो पूरे महीने का करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन इसका जो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही एक कम प्राइस में। और इस वीडियो के जो नोट है आपको आज शाम तक हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, दोनों ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जून 30, 2020 को नागालैंड पूरे स्टेट को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया है 6 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पे नागालैंड के बारे में जो होम मिनिस्ट्री ने एक अनाउंसमेंट में कहा है कि वहां पे सिचुएशन इतनी डेंजरस और डिस्टर्ब हो चुकी है तो यहाँ पे आर्म फोर्स की मदद लेनी पड़ेगी ताकि सिविल जो एक्टिविटीज को मेंटेन किया जा सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके हिसाब से एक जो एक्ट है उसका यूज किया यहाँ पे। ये एक्ट क्या है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958। तो इस 1958 के ये जो एक्ट है इसका सेक्शन 3 के हिसाब से ये जो रेस्ट्रिक्शन जो है इंप्लीमेंट किया है। तो नागालैंड जो है अभी एक डिस्टर्ब एरिया के हिसाब से घोषित किया गया है। तो ये देखिए जून 30 2020 को जो है इसको इंप्लीमेंट किया गया था और ये लागू होगी 6 महीने तक, यानी कि दिसंबर 31 2020 तक। तो अगर मैप में देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट का जो मैप है देख सकते हैं, यहाँ पर सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे जो आता है नागालैंड, नागालैंड का जो कैपिटल है कोहिमा, नीचे मणिपुर, मणिपुर का कैपिटल इम्फाल, मिजोरम, त्रिपुरा, तो यहाँ पे ये जो है कोहिमा ये पार्ट जो है नागालैंड। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे मेन जो यहाँ पे जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक्चुअली 1958 से अलग अलग जगहों पे लागू हुई है। और नागालैंड को जो देखिए जो स्टेटहुड का जो दर्जा मिला था, एक जो फुल फ्लेज स्टेटहुड उसका दर्जा मिला था 1963 में। तो नागालैंड जो है तब से लेके अब तक जो है पिछले 6 दशकों से एज ए डिस्टर्ब एरिया के यहाँ पे जो आर्म फोर्सेस एक्ट जो है इसके अंदर पिछले 6 दशकों से है। तो एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि नागालैंड की जो गवर्नर है आर्यन रवि और नागालैंड का एक जो इंसर्जेंट ग्रुप है NSCN जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, दोनों ही के बीच में यहाँ पे एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुई थी। और ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुई थी 2015 के 3 अगस्त, जहां पे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, लेकिन ये एक्ट जो है उसके बाद भी विथड्रॉ नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पे देखिए कि आर्म फोर्सेस जब यहाँ पे अपने पावर यहाँ पे जो इस एक्ट के हिसाब से जो रेस्ट्रिक्शन होती है तो कुछ कुछ यहाँ पे जो है पावर आर्म फोर्सेस को दिए जाते हैं, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेन चीज देखें कि अगर बैकग्राउंड के हिसाब से देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इससे पहले जो है नागालैंड में अगर बात करेंगे दिसंबर 2019 में ये जो रेस्ट्रिक्शन लागू किया था 2020 तक, तो 6 महीने के लिए किया गया था, तो इसको फिर से 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और अगर बात करेंगे नागालैंड में थोड़ी सी यहाँ पे जो अगर बात करेंगे पिछले कुछ सालों में हल्की सी यहां पे जो है कम देखने को मिल रहा है, तो अगर बात करेंगे वायोलेंट इंसिडेंट 2014 में 77 थी, 2017 में ये कम होके 19 हो गई। और जो एक्सट्रीमिस्ट किलिंग के बारे में बात करेंगे तो ये जो है 2014 में 296 थी, ये कम होके 197 हो गई थी। और इससे पहले जो है जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के हिसाब से मेघालय में भी डिस्टर्ब एरियाज का जो टैग लगाया गया था इसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेघालय से हटा दिया गया था, और अरुणाचल प्रदेश के 16 पुलिस स्टेशन में से 8 को
इसमें से हटा दिया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर बात करेंगे एंटायर नॉर्थ ईस्ट में 1997 में जितने भी जो इंसर्जेंट प्रॉब्लम्स हुई थी, जितने भी इंसर्जेंसी इफेक्ट हुई थी, ये जो है अब के हिसाब से 97% कम हो गई है। लेकिन इसको जो है और भी थोड़ी सी स्ट्रिक्टली लागू किया जाना चाहिए ताकि जो है ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो और लोग जो यहाँ पे शांति से रह सके। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के हिसाब से इसमें कौन सी पावर्स मिलती है, तो कौन से अगर सपोज एक जगह को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया, कैसी प्रॉब्लम्स होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है नॉर्थ ईस्ट में जो है एक्चुअली बहुत दशकों पहले जो है इसको लागू कर दिया गया था, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। तो इसके हिसाब से जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जो है जो जगह को लागू किया जाता है, डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया हो या कंप्लीट स्टेट में लागू किया जाता है। तो यहाँ पे जो है आर्म फोर्सेस के पास ये पावर होती है कि लोगों को यहाँ पे एक जगह में 5 से ज़्यादा लोग गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे उसकी जो है प्रोहिबिशन किया जा सकता है। यहाँ पे जो आर्म फोर्सेस है जो वार्निंग देने के बाद अगर किसी लोग एक कम्युनिटी या एक ग्रुप में यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम्स जो है फिर से क्रिएट होती रही, तो यहाँ पे जो है ओपन फायरिंग भी हो सकती है, ताकि यहाँ पे जो है लॉ के हिसाब से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। तो अगर बात करेंगे अलग अलग बहुत सारे सिचुएशन में किसी को भी, किसी व्यक्ति को भी विदाउट वारंट जो है अरेस्ट किया जा सकता है, किसी जगह पे यहाँ पे विदाउट वारंट जो है आर्म फोर्सेस घुस सकती है या फिर सर्च कर सकती है, और यहाँ पे जो है फायरआर्म्स को भी यहाँ पे बैन कर सकती है अलग अलग जगह पे, तो काफी प्रोविजन दिया जा सकता है। तो यहाँ पे मेन चीज देखिए कि सस्पिशियस एक्टिविटी अगर कहीं पे देखी तो लोगों की भलाई के लिए ही ये इंप्लीमेंट किया गया है। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे कौन सी स्टेट्स में जो है ऑलरेडी भारत में लागू है, तो यहाँ पे बात करेंगे अगर स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, नागालैंड में ऑलरेडी है, मणिपुर, और मणिपुर में अगर बात करेंगे मणिपुर इम्फाल म्यूनिसिपल काउंसिल में ये नहीं है लेकिन पूरे मणिपुर स्टेट में है, और आसाम के पूरे स्टेट में ये लागू कर दिया गया था 2019 के सेप्टेम्बर के महीने में। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे अगर अरुणाचल प्रदेश के, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है तीन जो डिस्ट्रिक्ट है चांगलांग, लोंगडिंग और टिराप, तो यहाँ पे है इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में जो है 8 पुलिस स्टेशन में जो ये डिस्टर्ब एरियाज का टैग लगा हुआ है, जो स्पेशली आसाम के बॉर्डर के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती है। तो आसाम के बॉर्डर के पास जो है यहाँ पे 8 पुलिस स्टेशन जो है इन तीन जिलों में यहाँ पे डिस्टर्ब एरिया का टैग लगाया हुआ है। तो मेन चीज देखिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी ये इम्पोज करती है तो स्टेट गवर्नमेंट इसको में सजेशन भी दे सकती है। तो मेनली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट यही चाहती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम्स हो रही है, यहाँ पे इंसर्जेंट इफेक्ट ज्यादा हो रही है, लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकती है यहाँ पे, तो ऐसे जगह पे यहाँ पे प्रोटेक्शन करने के लिए ये जो सिस्टम के हिसाब से आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लागू किया जाता है ताकि लोगों को यहां पे प्रॉब्लम्स ना हो और लॉ एंड ऑर्डर को यहां पे बढ़ाया जा सके। तो आप देख सकते हैं ये बढ़ाने के बाद जो है ये ग्रेजुअली इंसर्जेंट इफेक्ट कम होती आ रही है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नागालैंड को एज ए डिस्टर्ब एरिया के हिसाब से 6 महीने के लिए यहां पे डिस्टर्ब एरिया घोषित किया है। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्डवर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।